नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पे सावन का चौथा सोमवार आज है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां पर मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता, शिवालयों में भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है शिवालय। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज सावन का चौथा सोमवार है और ऐसे में हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है शिवालय। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं और सावन का चौथा सोमवार आज है, ऐसे में मंदिरों में अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें भी लगी है। भक्त अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक यहां पर भक्तों की तरफ से किया जा रहा है और हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई अलग अलग जगह की, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान मौसम भी थोड़ा खराब है, बारिश भी हो रही है और ऐसे में मंदिरों में उसको ध्यान में रखते हुए भी इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसका भी खासा ख्याल। पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। तो मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। और आगरा से हमारे सहयोगी कृष्ण त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही जितेंद्र गौतम भी गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात करें, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि दुधेश्वर नाथ में किस तरीके की मान्यता है, वहां पर क्या कुछ अलग अलग चीजें हैं और भगवान भोलेनाथ को लेकर किस तरीके से भक्तों में काफी उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। अभी हाल ही की बात करें, क्योंकि समय जैसे गुजरता जा रहा है, क्या मंदिरों में भीड़ अभी भी उतनी है जितेंद्र, या थोड़ी कम हो पाई है? सात बजे के आसपास देश की ऐसी भीड़ अभी भी मौजूद है, क्योंकि कामकाजी जो लोग हैं वो भी लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जल अर्पण करके धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त मैं मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। इससे पहले मैं मंदिर के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहा था, जहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह से जो भगवान शिव पर जो जलाभिषेक कर रहे हैं लोग लगातार करते हैं, सुबह पहुँच रहे हैं। इसके अलावा सामने के सबसे आप देखेंगे यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भगवान शिव से भक्ति करना चाहता है, सोमवार है और जिसे आज वो सब पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि किसी तरह से लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, सब एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी बहन जी, क्या क्या लेकर आए हैं आप, क्या क्या लेकर भगवान शिव के लिए आप भक्ति भी रखा होगा, आज किस तरह से सब आप तो देखिए तस्वीरें हैं और भी और भी दिखाते हैं। ये भाई साहब पहुंचे हैं, क्या क्या लेकर आए आज आप, काफी अच्छा लेके आए हैं भगवान शिव के लिए। जल लाए हैं, फिर जो है धाम पत्ता केला सब लाए हैं। सब से आ रहे हैं इस मंदिर में? आ रहे हैं सोमवार से, लगातार आते हैं, लगातार आते हैं, एक सोमवार छूट गया था तो इसलिए आज जो है पहुंचे हैं। बना रहे हैं, जल रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है ये नंदी महाराज है और यहाँ नंदी महाराज को जलाभिषेक करने के बाद मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये भाई यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव को लेकर तमाम जो चीजें हैं जो भगवान शिव को प्रिय है वो लेकर पहुँचे। कहाँ से आए आप, क्या और कब से लाइन में लगे थे? नंबर आ गया, क्या कहेंगे भगवान शिव को लेकर, जो दे रहे वो खरा भगवान शिव बोले। तो देखिए ये तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की हैं, जहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, सावन का जहाँ सोमवार है वही दूसरी ओर दिल्ली NCR सोमवार की एक अलग गाथा भी होती है, क्योंकि वर्किंग डे होता है तो हर कोई चाहता है कि भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद अपने अपने गंतव्य पहुंचे और अपने अपना जो भी। बिल्कुल जितेंद्र, वापस लौटेंगे आगरा से। कृष्णा त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अभी से थोड़ी देर पहले आप जिनसे तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरीके से, उसके बाद अगर अब की बात करूं तो क्या अभी भी उतनी भीड़ है या थोड़ी कम हो पाई है? बिल्कुल, आपको बता दें चौथा सोमवार है और आप तस्वीर लगातार
मंदिर की जो लोगों भक्तों का यहाँ पर तांता लगा दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ दिखाई कम नहीं दिखाई दे रहा। आज अमूमन कई जगह पर बारिश हो रही है, उसके कारण भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चौक चौबंद कर लिए, जिससे कि कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की है, चाहे किसी भी कैमरे की बात करें, खुद यहाँ पर पुलिस यहाँ चलाई गई है। और मंदिरों की बात करें तो जिस तरह से सावन की जो मंदिर की शोभा रहती है, उस पर आगरा के तमाम मंदिरों में जो जिस तरह से मेला का आयोजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से मेले का आयोजन होता है, जिस तरह से लोगों में जिस तरह बिल्कुल। और कृष्णा वापस लौटेंगे वाराणसी से, अमन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमन, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, ऐसे में काशी में किस तरीके का नजारा, क्योंकि चौथा सोमवार है आज सावन का, और भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे सावन बरसती है, ऐसे में आज की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता, चौथा सोमवार है सावन मास का, और कहीं ना कहीं काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। में अब बात करते हैं श्री काशी विश्वनाथ महा, और विशेष आपको बता दूं कि हर सोमवार, सावन के हर सोमवार के दिन बाबा एक अलग स्वरूप में जो है काशी वासियों को कहें या पूरे देश के जो आए हुए दर्शनार्थी जो यहाँ सावन श्रावण मास में जो बाबा के यहाँ दर्शन करने आती हूँ, उनको अलग अलग स्वरूप में हर सोमवार के दिन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना दर्शन देते हैं। और विशेष आज बता दूं कि आज जो है बाबा अपने भक्तों को जो है रुद्राक्ष के श्रृंगार के स्वरूप जो है आज बाबा अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। और विशेष मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार कतारे लगे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं आपको विशेष बता दूं कि 3:30 बजे भोर में से भोर में जो है मंगला आरती जो है बाबा की, उसमें जो है रुद्राक्ष का आज जो है बाबा का स्वरूप जो बताया गया है, वो रुद्राक्ष के स्वरूप में बाबा का श्रृंगार किया गया कहीं ना कहीं। और जितने भी तमाम भक्त में मौजूद थे मंगला आरती में, सब मंगला आरती का दर्शन पूजन किए, भी जो लाइट जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की बतौर सुविधा यहाँ पे दी गई है, लगातार जो है मेडिकल टीम जो है यहाँ पे तमाम कैंप लगाए गए हैं, प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पे जो है नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे वापस लौटेंगे और रामलाल साहनी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। रामलाल, मिर्जापुर में किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि सावन का चौथा सोमवार आज? तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है और लोगों के मन में एक ऊर्जा और एक उत्साह, एक उमंग आ जाता है कि चारों तरफ हरियाली देखने के साथ साथ हर जगह एक जो आस्था का जो भावना होती है, आस्था लोगों के मन में आ जाता है और घर घर पूजा होने लगती है और घर घर से लोग कांवरिया लेकर के निकलते हैं। वही माँ विंध्यवासिनी धाम की बात करें, हम लोग इस समय माँ विंध्यवासिनी के धाम मंदिर के नीचे है। यहाँ पर इस समय देख सकते हैं कि चारों तरफ भक्तों की जो भीड़ है वो काफी संख्या में है। और सावन में जिस तरह से हर ये देखिए कांवरिया भी यहाँ पर आकर के, सबसे पहले कांवरिया अगर शिव जहाँ पर शिव द्वार है, बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद ही यहाँ पर सब आते हैं और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद ही यहाँ से उनका सफल माना जाता है। तो जितने कांवरिया निकलते हैं घर से, सबसे पहले शिव द्वार, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन जरूर करते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ इस समय भक्तों की जो सैलाब है बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है और उमंग जोश के साथ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए लगे हुए हैं और पंक्ति में लग करके लंबी लंबी कतारों से माता की जय के जय जयकारा करते हुए माँ का एक
दीदार पाने के लिए बेकरार है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर आकर के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने मन्नता का मिन्नत के अनुसार पर ये देखिए बड़ी पंक्ति लगी हुई है जहाँ पर माँ का दीदार पाने के लिए भक्त जयकारा लगाते हुए माँ के दरबार में माँ के अगरगृह में पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में हमारे साथ बोलबम के साथ कुछ है कांवरिया है यहाँ पर, हम बात करेंगे कांवरिया से। कहाँ से है भाई साहब? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से? लखीसराय ये लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। तो कब निकले थे घर से? माँ विंध्यवासिनी के धाम में क्या दिल में क्या उमंग आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कहाँ पर दर्शन करते हैं? बनारस करके हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कांवरियाँ हैं बनारस से पहले दर्शन करने के बाद और सीधे माँ विंध्यवासिनी के धाम में पहुंच करके आशीष नवा करके फिर यहाँ से अपने घर की ओर लौटते हैं। यहाँ से लौटने के बाद फिर कथा वगैरह सब करके तब उनका कांवरिया जो यात्रा होता है सफल होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अब अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग सावन में भक्तों यही कांवरिया ही नहीं बल्कि सभी लोग जो है कि माँ के धाम में आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं और एक उमंग हो जाता है कि सावन आते ही लोगों के दिल में जो है कि एक हरियाली अपने आप आ जाता है और बारिश की जो फुहारे जब गिरती है तो दर्शन करने वाले इसमें जो श्रद्धालु होते हैं उनके अंदर और भी उत्साह और उमंग आ जाता है कि किसी प्रकार से माँ के दीदार पाए। और जो परिवार लेकर के चलते हैं सावन में कभी शादी जिसका हो चुका रहता है तो वो भी यहाँ पर आकर के कढ़ैया वगैरह जलाता है। बिल्कुल रामलाल शाहनी वापस लौटेंगे अमन, क्योंकि वाराणसी में जिस तरीके से बारिश भी हो रही है और आज की अगर मौसम की बात करें तो क्या आज भी वहां पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वहां पर हो रही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना और ऐसे में बारिश का भी अपना अलग ही महत्व रहता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में इस समय जो है हल्की जो है धूप निकली हुई है, जबकि देखा जाता है कि काशी में जब बारिश नहीं होती है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नीचे जो है जो काशी विश्वनाथ के जो सहनाई वादक है वो लोग सहनाई बजा के बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं और यहाँ पे बारिश करवाते हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से सावन के प्रथम सोमवार के दिन यहाँ पे सहनाई बजाई गई उसके ऊपर बाबा कहीं ना कहीं प्रसन्न हुए और लगातार जो है यहाँ पे बारिश का जो मौसम मानसून मौसम का जो यहाँ पे एक सुशुभा माहौल जो नजारा यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये सावन का प्रथम ऐसा सोमवार जो रहेगा जहाँ पे हल्की धूप निकली हुई है, नहीं तो जितने भी तीन सोमवार जो बीते हैं उसमें बारिश हुई है रवन सोमवार के दिन। और कहीं ना कहीं आए हुए तमाम जो श्रद्धालु है उनको आराम कहीं ना कहीं मिल रहा है। हल्की अभी धूप निकली हुई है, हालांकि घनघोर जो बादल है वो अब धीरे धीरे छाने लगे हैं और कहीं ना कहीं बारिश का आसार अब काशी में धीरे धीरे दिखने को मिल रहा है, क्योंकि धूप जो है अब जाती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आए हुए हैं बाहर से अब उनको थोड़ी सी राहत की सांसें लेंगे। बिल्कुल अमन, क्योंकि इस दौरान गंगा का भी स्तर बढ़ा है और काशी अपने घाटों के लिए बड़ा माना जाता है। और इस बार अगर सावन के महीने की हम बात करें तो कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या इस बार भी उतनी ही भीड़, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर माँ गंगा बह रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि खतरे के निशान से जो माँ गंगा का जल स्तर जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी का अपडेट में आपको बता दूं कि गंगा का जल स्तर जो है अभी जो है स्थिर है और इससे बीते 24 घंटे पहले गंगा का जल स्तर जो बताया था जो कि प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था, जितने भी तमाम चौरासी घाट है वहाँ पे NDRF की टीम और लगातार SDRF की टीम जो की स्थानीय जल पुलिस की निगरानी में यहाँ पे 84 घाट रखे जा रहे थे। तमाम ऐसे घाट जो थे जो विशेष पर्यटन स्थल के नाम से जो घाट जैसे सुमेज घाट और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नमो घाट, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जितने भी सैलानी यहाँ पे आते हैं या तो कहे कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का बाबा का दर्शन करने यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे ख्याल रखा गया। उसके बाद जो अपडेट जो 24 घंटे पहले बताया जा था 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था और अब स्थिर बताया जा रहा है। विशेष यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार जो है NDRF और
जल पुलिस की टीम जो है गंगा में गश्त कर बिल्कुल रही है। अमन, क्या श्रद्धालुओं पर भी इसका कुछ असर नजर आया, क्योंकि जल अभिषेक के लिए श्रद्धालु दूर दूर से काशी आते हैं, और ऐसे में क्योंकि काशी अपने आप में ही अब एक ऐसा स्थल बन चुका है कि वहां पर दूर दराज क्या विदेशों से भी लोग आते हैं, तो सावन महीने में क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीते सोमवार जो तीन सोमवार बीते हैं उसमें प्रतिदिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 से 4 लाख या 6 लाख या 7 लाख दर्शनार्थी हर सोमवार को दर्शन कर रहे हैं, और प्रतिदिन की माना जाए तो 7 से 8 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। विशेष सोमवार के दिन जो माना जाता है कि सोमवार के दिन दर्शनार्थी होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ सकती है, क्योंकि बोलबम उनकी विशेष भीड़ यहाँ पे देखी जाती है। आज की मैं बात कर दूं तो 3:30 बजे भोर में जो मंगला आरती होती है, सभा का पद फिरता है आरती के बाद, अभी तक की अपडेट जो मंदिर प्रशासन की तरफ से जो जारी की गई, अभी तक दर्शनार्थी 2.5 लाख दर्शनार्थी सुबह 3:30 बजे भोर में से दर्शन कर चुके हैं कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से पड़ती धूप जो है, कलकलाती धूप जो है यहाँ पे, और उसमें जो भक्तों की भक्ति देखी जा रही है, लाइन लंबी लंबी कतारें जो देखी जा रही है कहीं ना कहीं, विशेष यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज का अनुमान अगर मैं यहाँ पे लगा के बोलूँ तो कहीं ना कहीं 7 से 8 लाख आज जनता जो है, यानी कि अमन अगर बात करी जाए, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर कुछ और भी परेशानियां, लेकिन भगवान भोलेनाथ की नगरी में अभी भी भक्तों का तांता लगातार भरा हुआ है, श्रद्धालु लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वापस लौटूंगी अमन। जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात करें, क्योंकि देखा है कि हर सोमवार को भारी भीड़ रहती है, शिवरात्रि निकल चुकी है, उसके बाद से क्या भीड़ उसी कदर अभी भी मंदिरों का रुख इस दौरान हो रहा है? लगातार किस तरह से लाइन लगी हुई है और लगातार जिस तरह से नंबर आ रहा है उस तरह से उनके हैं, और साथ ही जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी अब मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां से अपनी पूजा अर्चना करते हुए वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें में आपको दिखा देता हूँ, ये मंदिर के अंदर के गर्भगृह की भी एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गर्भगृह की तस्वीरें ही सबसे खास होती है। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ जो है यहाँ पर है, और इसके अलावा जो लगातार भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिव भक्त जो है हर कोई चाहता है कि भगवान शिव के दर्शन हो, और साथ के साथ ये दर्शन है सावन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और एक युवक हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं भाई साहब आप क्या क्या लेके आए हैं आज के लिए, क्या क्या है पत्र अच्छा इसके बाद ऑफिस जाने वाले किस तरह से तैयार होते हैं आज को लेकर अगर के बात करें, क्योंकि रूटीन भी पड़ जाता है, मंदिर भी आना होता है, तो हम तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं भक्त हो रहे हैं हमारे साथ जो भगवान शिव को के लिए आए हैं। क्या क्या लेकर आए हैं भगवान शिव, आप क्या क्या लेकर आए हैं आज प्रसाद में, क्या क्या लेकर आए भगवान मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसकी मुकाम का जरूरत पूरी होती है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और भक्त जो हैं लगातार पहुँच रहे हैं, और क्योंकि सबको पता है कि भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जहाँ रावण ने खुद भगवान शिव को पहला शीश अर्पण किया था, जिसके बाद से मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो लगातार बढ़ती गई है, और वापस लौटेंगे जितेंद्र आपके पास में। और कृष्णा, आगरा में भी क्या अभी लगातार वैसी ही तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि भक्तों की भीड़, क्योंकि अब समय आगे बीतता जा रहा है, लोग कामकाज के लिए भी निकलेंगे, तो क्या अभी भी मंदिर में उतनी ही भीड़? ये तस्वीर
फिर आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बसों का जो नंबर सांसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो है यहाँ पर सांसा लगा हुआ है, एक एक करके तमाम यहाँ बस यहाँ पर दर्शन करने के लिए महादेव के दर्शन के, ये अंदर की जो तस्वीर है आप जो देखेंगे यहाँ पर लोगों का जो सैलाब आप देख रहे हैं, और इस तरह से आप देख रहे हैं बसों का जो सैलाब देख कर आपको बिल्कुल। कृष्णा वापस लौटेंगे आपके पास में, और रामलाल साहनी भी हमारे साथ में मिर्जापुर से लगातार बने हुए हैं। रामलाल अगर बात करें, क्योंकि आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी का वहां पर वास है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ दोनों वहां पर, तो कितना वहां पर भव्य नजारा देखने को मिल रहा है? यहाँ सावन में शिव मंदिर में भयंकर भीड़ लगता है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ती है, तो वैसे ही माँ विंध्यवासिनी के धाम में ही नहीं अपितु तो जितने देवी मंदिर हैं वहाँ पर भी भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि कई कारण होते हैं, जैसे कि सावन महीने में ऐसे ही शुभ मुहूर्त हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन करने का, लोगों को घर से जब बच्चों का मुंडन कराना होता है तो सावन में करने के लिए आते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो मुंडन करने की वजह से देवी मंदिरों में भी भीड़ आती है। उसके साथ साथ जो नए शादी होते हैं, नए जोड़े होते हैं, तो उन लोगों को भी माँ का आशीर्वाद लेना होता है, तो वो नए जोड़े भी होकर के आते हैं, और इस तरह और यही शादी के साथ साथ मुंडन के साथ साथ परिवार के लोग, जो बड़ी माता और छोटी माता निकलती हैं, जो कहते हैं चेचक वगैरह जो कहते हैं, तो हिंदू धर्म में उसे बड़ी माता छोटी माता कहते हैं, तो जितने गर्मी के सीजन में जब बड़ी माता छोटी माता निकलती हैं, तो वे लोग भी अपनी मनौती मांगती हैं कि किसी तरह सही हो जाए तो हम देवी मंदिर में जाकर के कढ़ैया करेंगे। कढ़ैया मतलब होता है कि पूरी और हलवा चढ़ाना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार के साथ आते हैं और पूरी और हलवा बनाकर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए देवी जो मंदिर होते हैं अन्य भारत के किसी भी देवी मंदिर में, इस वजह से भीड़ लगती है सावन में, क्योंकि मान्यता की अगर बात करें तो मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है। रामलाल साहनी और अमन और साथ ही जितेंद्र गौतम और कृष्णा त्यागी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े और आप सभी ने बताया कि आखिरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिरों की क्या मान्यता है, क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है, ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर कोई भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।